हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो 5 में। आज मैं बात करने वाला हूं कि जिन्होंने अल जजीरा बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लिया है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के बाद अब उनको ऐप डाउनलोड करना होता है, फिर अपने ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्टर करना होता है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो मेरी नई वीडियो आने वाली है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं बात ये करने वाला हूं कि अगर आपने अल जजीरा में अकाउंट खोल लिया है तो आप अपना ऐप डाउनलोड करके उसमें कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये मैं आप आज को मोबाइल पर दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से ऐप डाउनलोड करके फिर उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, अपने ईमेल के जरिए या अपने अकाउंट में जो भी आपका आईडी नंबर हो उससे रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम किस तरह से उसको रजिस्टर करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमें आज अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अल जजीरा ऐप को ओपन कर लेना है। अल जजीरा ऐप जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो हमारा जब बनाते हैं तब तो यूजर नेम बना नहीं होता है। तो आप नीचे देख सकते हैं, मैंने इसको क्लिक किया, जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया अल जजीरा स्मार्ट रजिस्ट्रेशन। तो हमको इसमें अपना अकाउंट नंबर डालना है और नीचे लिखा प्लीज़ वेरीफाई दैट यू आर नॉट रॉबर्ट। तो हमको इस पर जब क्लिक करेंगे अकाउंट नंबर डाल करके, तो यहाँ पर आपको जो भी इमेज है वो इमेज क्लिक करना होगा। इमेज क्लिक करने के बाद जब हम इमेज क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने 3 करे, अब मैं वेरीफाई करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सही का टिक लग के आ गया। फिर इसको करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट किया, अब यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा जो हमने अल जजीरा में दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आ गया। जैसे देखिए OTP कोड आ गया और अपने आप ही नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो हमारा जो भी होगा हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से यहाँ पर देखिए नंबर पड़ा हुआ है आपका पहले से ATM कार्ड का, फिर आपको यहाँ नीचे कार्ड पिन यानी कि ATM कार्ड के ऊपर जो आपका पिन होगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए हम ATM कार्ड पिन अपना डाल देते हैं, यहाँ पर 4 अंक का जो 4 नंबर का होता है। कार्ड नंबर डालने के बाद अब यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ नेक्स्ट, तो हम जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया अभी हमारे पास एक नया पेज आ गया। हमको इसमें यूजर नेम डालना है, अपना ईमेल डालना है, फिर कन्फर्म ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है जो हमको ऐप ओपन करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं यूजर नेम और ईमेल एड्रेस जो भी है पासवर्ड वो डाल देता हूँ, इसको मैंने ब्लर कर दिया है। तो चलिए मैं अपना यूजर नेम डालता हूँ यहाँ पर, जो मेरा यूजर नेम है वो डाल देता हूँ यहाँ पर, जो अपने आप से अपने खुद को बनाना ये जो यूजर नेम होगा वो खुद आप खुद बनाएंगे पहले, फिर आप दूसरा डालेंगे। मैंने ऊपर यूजर नेम डाला, अब नीचे मुझे ईमेल डालना है, जो मेरा ईमेल है वो मुझे ईमेल यहाँ पर डालना होगा। तो मैंने ईमेल डाल दिया, अब ईमेल डालने के बाद फिर मुझे कंफर्म ईमेल दूसरी बार फिर ईमेल डालना होगा, फिर मुझे अब कोई पासवर्ड एक चूज़ करना है, जो मुझे ऐप अपना ओपन करने के लिए मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, आप खुद से वो पासवर्ड डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड डाल लेता हूँ, जो मुझे जो ऐसा पासवर्ड डाल लें जो आपको याद रहे। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डालूँगा जो आपको हर करेक्टर में होना चाहिए, यानी कि स्मॉल भी होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, सब मिला करके आपके ये होना चाहिए। यहाँ पर 8 या 12 करेक्टर होने चाहिए, ठीक है, 8 या 12 अंक होने चाहिए इसमें। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं यहाँ पर। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना शुरू किया, यहाँ पर एक लाइन नीचे चलने लगी, जैसे मेरा पासवर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर नीला टिक लग के आ जाएगा। तो चलिए मैं पासवर्ड पहले पूरा डाल देता हूँ यहाँ पर, अब मुझे फिर कंफर्म पासवर्ड डालना होगा नीचे। यहाँ पर बता रहा है A से Z तक आपके पासवर्ड पूरे करेक्ट होने चाहिए, अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो हम कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरा जीमेल एड्रेस और जो पासवर्ड है वो मैंने सही डाला, फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा है अब आप जब भी करेंगे तो आपका यूजर नेम जो आपने अभी डाला और पासवर्ड जो आपने अभी डाला वो आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे यहाँ पर यूजर नेम है, तो चलिए मैं यूजर नेम आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अपना यूजर नेम डाला यहाँ पर, ये SMS भी आ गया कि आपका अल जजीरा ऐप स्मार्ट ऐप में आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे अपना जो यूजर नेम है वो मुझे डालना है यहाँ पर, नीचे मुझे जो अभी मैंने पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड मुझे यहाँ पर फिर डालना है, फिर मैं पासवर्ड डालूंगा यहाँ पर। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वैसे आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिमेंबर पर मी उस पर क्लिक करें, फिर आपको लॉगिन कर देना है।
लॉगिन करने के बाद आपका ऐप सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। जहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड डाला। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पर एक OTP कोड आएगा 4 डिजिट का, ये देखिए आ गया, ये अपने आप ही यहाँ पर पड़ गया। अब यहाँ पर ऐसा पेज आएगा, आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है नीचे आकर के। जब आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो आपका इंटरफेस होगा, आपका ऐप सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। आप देख लीजिए, ऐसे आपका ऐप ओपन हो जाएगा, इसमें आप सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सक्सेसफुली आप अपने ऐप को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओपन कर लिया, आपको बस इसी तरह से ओपन कर लेना है अपना जो भी स्मार्ट अल जजीरा का है वो ओपन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।